हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पे हाईलाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप भी इंस्टाग्राम पे हाईलाइट क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरह के। और इसमें आप अपने यूट्यूब का लिंक दे सकते हो, फेसबुक का लिंक दे सकते हो। इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। यहाँ पर इसी तरह के रिलेटेड वीडियो मिलता है और मिलता रहेगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट। तो चलिए गाइज, आ गए फोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल पर टैप करना है। प्रोफाइल पर टैप देख सकते हैं गाइज, हम अपना यहाँ पे यूट्यूब का लिंक लगाए हैं कुछ इस तरह से। आप भी अपने यूट्यूब का, ट्विटर का और फेसबुक का लिंक लगा सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको तीनों प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट रखना चाहिए। अगर आप फेसबुक का आप लगाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट रखना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहले से स्क्रीनशॉट किए हुए हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले जाना है अपना इंस्टाग्राम पे जाना है। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आपको प्लस वाला आइकन पे जाना है। प्लस वाला आइकन पे जाने के बाद आपको स्टोरी वाला ऑप्शन पर टैप करना है। स्टोरी वाला ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको ओनली दिस टाइम वाला ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको अपना गैलरी से आते फेसबुक या ट्विटर का, आपको चलिए हम फेसबुक पे सबसे पहले ले लेते हैं। फेसबुक के लेने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है फॉलो मी ऑन फेसबुक अकाउंट। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हम लिख लिए हुए। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे स्टिकर वाला ऑप्शन पे टैप करना है। स्टिकर वाला ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्टेपअप डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे लिखना है स्टेपअप। तो आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है आपको कोई भी एक ले लेना है। चलिए हम ये वाला ले लेते हैं। लेने के बाद कुछ इस तरह से आपको कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको सेंड पे टैप करना है। सेंड पे टैप करने के बाद आपको योर स्टोरी वाला ऑप्शन पर शेयर कर देना है। थोड़ा देर आपको वेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा स्टोरी यहाँ पे पोस्ट हो चुका है। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको न्यू वाला ऑप्शन पर टैप करना है। न्यू वाला ऑप्शन पर टैप करने के बाद आप जो भी स्टोरी अभी अभी पोस्ट की हो आपको उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन टैप कर देना है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर टैप करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको फेसबुक लिखना है। उसके बाद आपको एडिट कवर वाला ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद आपको गैलरी में, बाद आपके पास एक फेसबुक का PNG होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो देख सकते हैं मेरे पास पहले से है तो इसलिए हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको डन वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप फेसबुक का भी हम हाईलाइट क्रिएट कर चुके हैं कुछ इस तरह से, आप भी कर सकते हो। उसके बाद चलिए हम अपना ट्विटर का भी क्रिएट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको फिर से जाना है, प्लस वाला आइकन पे जाना है। प्लस वाला आइकन पे जाने के बाद आपको स्टोरी वाला ऑप्शन पर टैप करना है। स्टोरी वाला ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको फिर से ओनली दिस टाइम पर टैप करना है। उसके बाद आपको गैलरी वाला ऑप्शन पर टैप करना है और इस बार आपको ट्विटर वाला प्रोफाइल को आपको स्क्रीनशॉट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से लिख देना है फॉलो मी ऑन ट्विटर। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको फिर से स्टिकर वाला ऑप्शन पर जाना है और फिर से आपको एक शेपअप का ऑप्शन डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे शेपअप लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे पसंद आता है आपको यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इस बार आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद आपको सेंड टू वाला ऑप्शन पर टैप करना है। सेंड टू वाला ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको योर स्टोरी पर जाकर शेयर कर देना है। उसके बाद आपको फिर से थोड़ा देर वेट कर लेना है जब तक स्टोरी आपका शेयर हो जाएगा। आपको फिर से न्यू वाला ऑप्शन पर टैप करना है। न्यू वाला ऑप्शन पर टैप करने के बाद जो भी आप अभी स्टोरी पोस्ट किए हो आपको वो वाला सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम ट्विटर वाला किए थे, तो आपको ट्विटर वाला सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर टैप कर देना है। नेक्स्ट पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर ट्विटर लिख देना है।
ट्यूटर लिखने के बाद आपको एडिट कवर वाला ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद आपको आपके पास एक ट्यूटर का PNG होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो हम इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मेरे पास है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्यूटर का भी हाईलाइट यहाँ पे क्रिएट कर दिए। किस तरह से आपको हाईलाइट क्रिएट करना है ये तो आपको पता चल गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।